सीजीआई ने की बड़ी टिप्पणी। संविधान के बुनियादी ढांचे को कहा ध्रुव तारा। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने उठाए थे सवाल। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा हाल ही में 1973 के केशवानंद भारती मामले के ऐतिहासिक फैसले पर सवाल उठाया गया था, जिसके बाद अब भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने बड़ी टिप्पणी की है। दरअसल चीफ जस्टिस ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संविधान के बुनियादी ढांचे के सिद्धांत को ध्रुव तारा करार दिया है। उन्होंने कहा कि जब आगे का रास्ता जटिल होता है, तब हमारे संविधान की मूल संरचना हमें निश्चित दिशा दिखाती है। अब चीफ जस्टिस की इस टिप्पणी को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के उस बयान के संदर्भ में लिया जा रहा है। आपको बता दें कि धनखड़ ने अपने बयान में तब कहा था कि केशवानंद भारती मामले के फैसले ने एक बुरी मिसाल कायम की है, और अगर कोई प्राधिकरण संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति पर सवाल उठाता है तो ये कहना मुश्किल होगा कि हम एक लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं। जिसके बाद अब चीफ जस्टिस का बयान सामने आया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को बुनियादी ढांचे के सिद्धांत को ध्रुव तारा के समान करार दिया है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि बुनियादी ढांचे का सिद्धांत ध्रुव तारा की तरह है, जो आगे का मार्ग जटिल होने पर हमारा मार्गदर्शन करता है और संविधान की व्याख्या क्रियान्वयन करने वाले को एक निश्चित दिशा देता है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि जब आगे का रास्ता जटिल होता है तो ध्रुव तारा की तरह बुनियादी ढांचे के सिद्धांत मार्गदर्शन करता है। मुंबई के कार्यक्रम में नानी ए पालकी वाला स्मृति व्याख्यान देते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि एक न्यायाधीश की शिल्पकारी संविधान की आत्मा को अक्षुण रखते हुए बदलते समय के साथ संविधान के पाठ की व्याख्यान करने में निहित है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे संविधान की मूल संरचना ध्रुव तारा की तरह मार्गदर्शन करती है। जब आगे का रास्ता पेचीदा होता है तो संविधान के व्याख्याओं क्रियान्वयकर्ताओं को हमेशा उचित निश्चित दिशा देती है। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान की मूल संरचना या दर्शन संविधान की सर्वोच्चता, कानून के शासन, शक्तियों के पृथक्करण, न्यायिक समीक्षा, धर्मनिरपेक्षता, संघवाद, स्वतंत्रता और व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता पर आधारित है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि समय समय पर हमें नानी पालकी वाला जैसे लोगों की जरूरत होती है, जो हमारे चार ओर की बुनियाद को रोशन करने के लिए अपने स्थिर हाथों में मोमबत्तियां पकड़ते हैं। गौर हो कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 1973 के केशवानंद भारती मामले के ऐतिहासिक फैसले पर सवाल उठाया था, जिसके बाद देश में एक अलग तरह की बहस ने जन्म ले लिया था। जगदीप धनखड़ ने कहा था कि फैसले ने एक बुरी मिसाल कायम की थी, और अगर कोई प्राधिकरण संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति पर सवाल उठाता है तो हमें ये कहना मुश्किल होगा कि हम एक लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।